अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अंसारी रमशा शकील, नेशनल उर्दू हाई स्कूल की तालिबा, आपका इस्तकबाल करती हूँ। कौन कहता है कि छोटी छोटी आँखों से आसमान नहीं देखे जा सकते? कौन कहता है कि छोटे छोटे कदमों से मंजिल हासिल नहीं की जा सकती? और कौन कहता है कि अकेले चलते हुए जिंदगी में देखे हुए ख्वाबों को पूरा नहीं किया जा सकता? आज की हमारी गेस्ट इसी की एक मिसाल है, जिन्होंने छोटे छोटे कदम लेकर लोगों की जिंदगियों को बदला है। हमारे साथ मौजूद है सम्मान फाउंडेशन की प्रेसिडेंट मोहतरमा रोसाना शकील अंसारी, जो एक कामयाब बिजनेस वुमन होने के साथ साथ एक बेहतरीन सोशल वर्कर भी है, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन की फील्ड में काम करके लोगों में मकबूलियत और मोहब्बत हासिल की। पंचायत समिति अंबरनाथ की तरफ से 22 फरवरी से 8 मार्च 2021 के दरमियान जागतिक महिला दिन पंढरवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत 4 मार्च को दी गई सरगर्मी के मुताबिक इलाकाई सतह पर कामयाब और तजुर्बाकार खातून मोहतरमा रुखसाना शकील अंसारी का इंटरव्यू के लिए इंतखाब किया गया है। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। रुखसाना जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक बिजनेस वूमन भी है और आप वुमेन एम्पावरमेंट की फील्ड में काम भी कर रही है, तो मैं जानना चाहूंगी रुखसाना जी कि आपका जो सोशल वर्क में आने का रीजन है वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इंटरव्यू के लिए मुझे मुंतखब किया, और रब्बे कायनात की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए अल्लाह ने मुझे चुना। जी, मैं अपने बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मैं सोशल वर्क में क्यों आई, मेरा सोशल वर्क करने का रीज़न क्या है, लोगों के आंसू पोंछकर उनके दुख दर्द को दूर करके उनकी चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना, ये मेरी फितरत है, ये मेरी आदत है, ये मैंने अपने बचपन से अपनी नानी को करते देखा, अपनी अम्मी को करते देखा, और वही चीज़ मैंने एडॉप्ट की, जिसे आज आप लोग सोशल वर्क का नाम दे रहे हैं। मेरी नानी का नाम हिदायतुन्निसा, बचपन से मैंने उन्हें देखा कि वो किस तरीके से लोगों के साथ खुश अखलाकी से पेश आते थे, उनके दुख दर्द को सुनकर अपनी सतह पर, अपने लेवल पर उसे दूर करने की कोशिश करते थे, और मैं छोटी मासूम सी बच्ची उनका हाथ पकड़े वो सारी चीज़ें गौर से देखती और महसूस करती थी, और सोचती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो बिल्कुल अपनी नानी की तरह करूँगी। उन्होंने कभी मुझे इमोशनल हो रही, अल्लाह उन्हें जन्नत जन्नत में आला मकाम अदा करे, उन्हीं की वजह से मुझे हिदायत मिली कि नेक काम करने की। छोटी थी, 8 स्टैंडर्ड में थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, सिंगल मदर मेरी मम्मी, और डैडी के इंतकाल के बाद मेरी एजुकेशन की जिम्मेदारी उन्होंने लेकर मुझे एक वेल एजुकेटेड बनाया। लोगों ने उन्हें काफ़ी रोका कि अपने लिए जेवर खरीद लो, अपने लिए घर खरीद लो, लड़की है, एजुकेशन देकर कोई मतलब नहीं है, शादी हो जाएगी तुम्हारे पास क्या रह जाएगा। लेकिन उन्होंने लोगों की बातों पे ध्यान ना देते हुए, उन्होंने जेवर ना खरीदते हुए अपनी बेटी को हीरा बनाया, उन्होंने अपने लिए जेवर ना बनाते हुए उन्होंने मुझे तालीम के जेवर से आरास्ता किया, मुझे इंजीनियरिंग करवाई साबू सिद्दीक कॉलेज से, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, और आज मैं ये चाहूँगी कि हर माँ अपनी बेटी को तालीम के जेवर से आरास्ता करे, हर माँ ये अहद करे, ये इरादा करे कि उसकी बेटी को एजुकेशन दिलाने की, तालीम दिलाने की जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि माँ अगर इरादा कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो इस तरह सोशल वर्क में आने का मेरा जो रीज़न है वो मेरी नानी मरहूमा हिदायतुन्निसा, मेरी अम्मी, ये दोनों इम्पावर लेडीज़ हैं जिन्होंने मुझे ये बचपन से ये एहसास दिलाया कि मुझे दूसरों की मदद करनी है, मुझे दूसरों के दुख दर्द बांटने हैं, मुझे दूसरों के आंसू पोंछने हैं, उनके बुरे वक्त में काम आना है, और आज आप लोग इसे सोशल वर्क का नाम दे रहे हो।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी नानी का और आपकी अम्मी का कि उन्होंने हमें इस खूबसूरत हीरे से नवाजा है। आप बहुत ही जज्बाती है आपने जैसा कहा, और बहुत बहुत शुक्रिया सच में। आपकी अल्लाह आपकी नानी को जन्नत नसीब करे। मेरा दूसरा सवाल है रुखसाना जी कि आपने अभी जो रिसेंट में जो एक्टिविटीज़ की है सोशल वर्क की, आप उसके बारे में हमें कुछ बताएगी। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए जी, किसी के डैडी का जॉब चला गया, किसी के भाई का जॉब चला गया, किसी के हस्बैंड का जॉब चला गया। लेडीज़ लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना देखना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो हमने एक जॉब कैंप अरेंज किया, बहुत सारी कंपनीज से हमने बात करके उनका एक इंटरव्यू लिया लेडीज़ को यहाँ पर कैंप में, उनके लिए कैंप ऑर्गेनाइज करके, और इस तरीके से हमने काफ़ी लेडीज़ को ऑन द स्पॉट हमने जॉब प्रोवाइड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब हुआ हमारा वो इंटरव्यू और काफ़ी लेडीज़ को रोज़गार मिल गया। इसके बाद हमने मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, इनके साथ मिलकर हमने बेवाओं के लिए काम किया, उन्हें मंथली पेंशन के लिए गाइडेंस दी। अब गाइडेंस देने के बाद जो लेडीज़ इद्दत में हैं उनको राशन का मसला होता है, तो सम्मान फाउंडेशन ने उनको राशन प्रोवाइड किया, उनके बच्चों के लिए फ्री ट्यूशंस अरेंज की, उनको हमने अपनी इधर क्लासेस में फ्री ट्यूशंस दी, उनके लिए आरटी के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो डॉक्यूमेंटेशन में उन्हें गाइडेंस के साथ साथ उनको फ्री हेल्प भी की, ताकि उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो सके। तो ये जो बेवाओं के लिए और यतीम बच्चों के लिए मैं जो आरटी का भी काम कर रही हूँ, बेवाओं के लिए जो उनको मंथली जो पेंशन है उसके लिए काम कर रही हूँ, तो इनसे मेरा एक अटैचमेंट है। वो चीज़ें मैंने महसूस की हैं कि यतीमी क्या होती है, इसलिए मैं उनके लिए भागती हूँ, दिन नहीं देखती हूँ, रात नहीं देखती हूँ, मैं दौड़कर उनके लिए काम करती हूँ। कि जब कई इसके बाद आईटीआई के लिए बच्चों के लिए हमने फ्री काउंसलिंग की, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि गवर्नमेंट की आईटीआई की फ्री सीट्स होती है, तो हमने खुद जाकर उनके पेरेंट्स से बात की। एसएससी के बाद जो बच्चे जो अपने बच्चों को आगे एजुकेशन नहीं देना चाहते थे उन्हें हमने एक्सप्लेन किया कि देखिए ये गवर्नमेंट की ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसी फ्री सीट्स होती हैं। हमने लॉकडाउन में उनके फॉर्म भरे, खुद फिल किए फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्हें एसी मैकेनिक हो गया और ऑटोमोबाइल, ये फील्ड में काफ़ी अलग अलग आईटीआई की जो फील्ड्स होती है जिसके बहुत स्कोप है, लेकिन आम तौर पे ये नॉलेज किसी को होती नहीं है और उसकी वजह से ये सीट्स बिल्कुल खाली जाती है। तो हमने खुद जाकर उनके पेरेंट्स से बात की और बहुत सारे बच्चों का हमने आईटीआई में एडमिशन करवाया। नॉर्मली उनकी 2018 में उनका एडमिशन हो गया और पेड सीट जबकि वही कॉलेज में 60,000 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चों को लॉकडाउन में जो फीस नहीं पेड कर सकते थे, जो एजुकेशन से बिल्कुल दूर हो रहे थे, हमने उनको एजुकेशन का रास्ता बताया, और आगे भी इंशाल्लाह ताला एजुकेशन की फील्ड में हम इसी तरीके से काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जिस तरह हमारे लिए रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरी है, उसी तरह अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम भी उतनी ही ज़रूरी है। वाह क्या बात कही आपने, और हम देख सकते हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है। जी जी। तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आपके जो सोशल वर्क में आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं प्लीज़। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने मेहंदी क्लासेस भी स्टार्ट किए हैं जी, पार्लर ब्यूटी पार्लर की क्लासेस हमने स्टार्ट किए हैं, बहुत ही कम और अफोर्डेबल फीस में हमने ये क्लासेस बहुत ही हायर ट्रेनर्स के ज़रिए हमने दी हैं, और जैसा कि इसकी वीडियोस मेरे चैनल लाइव रुक्स पे ऑलरेडी है अवेलेबल, आप देख सकते हो बहुत ही बेस्ट ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं ताकि वो प्रोफेशनली मैदान में बड़े ज़ोर शोर से उतरे, प्रोफेशनली बहुत अच्छे से काम कर सके। और इसी तरह हम जो घर बैठे बिजनेस करना चाहती हैं लेडीज़, कई हमारी खातून ऐसी हैं जो बाहर नहीं आना चाहती घर से, मेरी ये कोशिश है इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर में उनके लिए घर बैठे काम प्रोवाइड कर सकूं, रोटी का,
खाने का, फूड इंडस्ट्री में मैं जाना चाहूंगी, क्योंकि अगर लेडीज अनएजुकेटेड है तो भी वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो इसीलिए सम्मान फाउंडेशन की कोशिश है कि फूड इंडस्ट्री में काम करके हमारी घरेलू खवातीन को हम काम दे सकें। और उसके अलावा मेरा ये प्लान है, इंशाल्लाह ताला, देखिए सपने तो बहुत हैं, ख्वाब तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, ज़िंदगी बहुत छोटी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ज़रूर वो सम्मान फाउंडेशन के सपनों को पूरा करेंगे, क्योंकि ये सपने एक आम खातून के सपने हैं, एक आम औरत के सपने हैं, जो घर में रहते हुए भी कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना चाहती है। इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ कल्याण में बेवाओं के लिए और जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए एक अपना घर बनाना चाहती हूँ, वो जिसे अपना घर सिर्फ कहे नहीं, जो रियली में उनका अपना घर हो, जहाँ पे वो रह सके, काम कर सके, अच्छी तालीम हासिल कर सके, अच्छा बिजनेस कर सके। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे इस सपने को, इस ख्वाब को ज़रूर पूरा करेगा। ख्वातीन के लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगी, तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। वाह रुखसाना जी, हमें तो पता ही नहीं था आपके अंदर एक शायर भी छुपा हुआ है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।